नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 2016 के पहले जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनकी सातवें वेतन के हिसाब से कितनी पेंशन होगी। अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पेज में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 2016 के बाद जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनकी सातवें वेतन के हिसाब से कितनी पेंशन और फैमिली पेंशन होगी। उदाहरण के साथ इसकी जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं कर्मचारियों और पेंशनरों के काम की वीडियो इस चैनल पे देते रहता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, मान लेते हैं किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट डेट मई 2018 है और उसकी अंतिम बेसिक 18,310 और 4200 ग्रेड पे है, और वह कर्मचारी छठवें वेतन में 9,300 से लेके 34,800 के पे स्केल में रिटायर हुआ है। मैं यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आपको अपनी बेसिक के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, प्रोसीजर सेम है। तो दोस्तों, इस कर्मचारी का सातवें वेतन के हिसाब से पेंशन कितना बनेगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस कर्मचारी की 1 जनवरी 2016 का जो बेसिक और ग्रेड पे है उसको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको मैट्रिक्स टेबल में देखना है कि वो अमाउंट कहाँ पे है। और उसके बाद जनवरी 2016 से 2018 तक उसको दो इंक्रीमेंट लगा है, तो मैट्रिक्स टेबल में दो इंक्रीमेंट आगे बढ़ जाना है। तो चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उस कर्मचारी का 1 जनवरी 2016 का जो बेसिक है वो ग्रेड पे है उसको लेना है। 1 जनवरी 2016 का उसका बेसिक 16,990 है और 4200 ग्रेड पे है, तो उसको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें 2.5% से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 54,458 ये अमाउंट आया। अब इस अमाउंट को मैट्रिक्स टेबल में 4200 की ग्रेड पे स्केल में देखना है। 4200 के कॉलम में ए अमाउंट नहीं है तो उससे ज्यादा वाला अमाउंट कंसीडर करना है। उससे ज्यादा वाला अमाउंट 55,200 है, तो 55,200 ये जनवरी 2016 की बेसिक हो जाएगी। अब उसके बाद 2016 से 2018 के बीच उसको दो इंक्रीमेंट लगा है, तो दो इंक्रीमेंट आगे बढ़ जाना है, यानी 58,600 उसकी बेसिक हो जाएगी। अब 58,600 का हाफ उसकी पेंशन होगी, अब उसमें 12% डीए जोड़ के जो अमाउंट आएगा वही उसकी पेंशन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप भी अपना देख सकते हैं पेंशन कितनी बनेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।